तो गाइस इससे बुरा शाहरुख खान के साथ और कुछ नहीं हो सकता। शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी जवान की स्टोरी लीक हो चुकी है, तो चलो इसी बारे में बात करते हैं कि ये रियल है कि फेक और इससे मूवी को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो 2022 से बॉयकॉट बॉलीवुड स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये रुका नहीं है। जब भी कोई मूवी निकलती है सबसे पहले बॉयकॉट गैंग चली जाती है और यही पैतरा आजमा के बॉयकॉट गैंग शाहरुख खान की मूवी पठान को ही फ्लॉप करवाने के बारे में सोच रहे थे। पहले तो इनके पास कोई टॉपिक नहीं था शाहरुख खान के अलावा, लेकिन जब बेसराम रंग सॉन्ग आया तो सॉन्ग के ड्रेस को लेकर बॉयकॉट स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे ऑडियंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि मूवी का फ्री में प्रमोशन हो गया और मूवी 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन पार कर गई। और शाहरुख खान की अगली फिल्म का नाम है जवान। तो बॉयकॉट गैंग तो शाहरुख खान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, चाहते नहीं कि शाहरुख खान की मूवी हिट हो। तो इसीलिए मूवी के रिलीज के 3 महीने पहले से ही बॉयकॉट गैंग मूवी को फ्लॉप करवाने के लिए अपनी पूरी दम लगा दे रहे हैं। और इसी के चलते गूगल पर जवान मूवी का 50% स्टोरी लीक हो चुका है। अब पता नहीं कि एडियल है या फेक। मूवी को रिलीज होने में अभी भी 3 महीने से भी ज्यादा है, पर पठान से ज्यादा लोग जवान पे उम्मीद लगा रहे हैं कि जवान मूवी 1000 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन पार कर जाएगी। क्योंकि ये साउथ इंडियन फिल्म है तो ये पैन इंडिया रिलीज होगी, जिस वजह से तमिल, तेलुगु और मलयालम इन तीनों लैंग्वेज में भी मूवी रिलीज होगी। पठान मूवी तमिल और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी, लेकिन साउथ में मूवी को ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया था इसलिए वहाँ कलेक्शन कम हुआ। लेकिन जवान के डायरेक्टर है साउथ के डायरेक्टर इटली। जवान एक साउथ इंडियन फिल्म होने वाली है, हिंदी ऑडियंस के साथ साउथ की ऑडियंस भी जवान मूवी को देखने जाएंगे। मूवी की शूटिंग 95% कंप्लीट हो चुका है। शायद मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जाएगा क्योंकि इसमें अल्लू अर्जुन का कैमियो होने वाला था, लेकिन अल्लू अर्जुन ने मूवी को रिजेक्ट कर दिया है। तो मूवी के मेकर्स कोई और एक्टर चुनने में और शूट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। शायद मूवी पोस्टपोन हो सकती है या उसी डेट पे रिलीज हो सकती है। मूवी के रिलीज डेट तो रखा गया है 2 जून को। तुम लोगों को पता ही होगा कि शाहरुख खान का मूवी में 1-2 नहीं पूरे 6 रोल होने वाले हैं, मतलब कि शाहरुख खान का 6 डुप्लीकेट मूवी में होने वाले हैं। और अगर तुम जवान मूवी की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो शायद गूगल पे तुम्हें पूरी स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन ये रियल है या फेक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि ये उन्होंने ही लीक किया है या किसी और ने। क्योंकि इटली कुमार एक सामाजिक मूवी बनाते हैं, मतलब कि समाज को कुछ दिखाना चाहते हैं अपने मूवी की माध्यम से, तो शायद ये स्टोरी जो लीक हुआ है ये फेक है। क्योंकि इतना बड़ा खतरा मेकर्स अभी नहीं उठा सकते हैं कि मूवी के रिलीज के 3 महीने पहले ही मूवी की स्टोरी लीक हो जाना। हाँ, पठान की भी स्टोरी लीक हो गई थी मूवी के रिलीज के कुछ घंटों पहले, लेकिन जवान रिलीज में अभी 3 महीने है, तो मेकर्स इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। और अगर ये रियल हुआ तो मूवी के कलेक्शन पे बहुत बड़ी गिरावट नजर आ सकती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तुम्हें क्या लगता है ये रियल है या फेक? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन।